हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, सबसे पहले तो हैप्पी गोवर्धन। हैप्पी गोवर्धन गाइस, आप सभी को गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सुबह का टाइम है, ये देख लीजिए, माता रानी का दिया अभी अभी पूरा हुआ है। और दिवाली जो है वो फेस्टिवल ही सफाई वगैरह करने का है। बच्चों ने ऐसा हाल किया ना, घर के आगे आड़ू लगा के जल्दी जल्दी काम किया है, क्योंकि ये जो दिया पूरा होने के बाद ना, जो हम हल्दी रखते हैं ना पूजा में, उससे फिर पूरे दरवाजे वगैरह, गेट वगैरह होते हैं ना, और उनके आगे फिर वो हमें सतिया बनाना होता है, शुभ लाभ लिखना होता है, और पानी को मेन गेट के ऊपर डोलना होता है। तो ये सब काम करने थे, इसलिए जल्दी जल्दी किया है काम। अभी नहा के निकली हूँ, और ये देखिए बच्चों ने कल रात को उत्पाद मचाया था, वो सारा क्लीन किया है। ये रंगोली वंगोली ये वो सब साफ़ हो गया है एकदम। वहाँ मैंने एकदम सामने और रोड के इधर इकट्ठा करके और इधर जला दिया था सारे का सारा। तो ये सब काम हुआ है गाइस। और उधर पीछे की साइड भी क्लीन करके वहाँ पर मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए धुलने के लिए। यहाँ पर चल रही है मेरी मशीन, तो यहाँ पर कपड़े धुल रहे हैं। और अब वो वाला काम कर देती हूँ, माता रानी के दिए वाला। और ये जो स्थापना की थी, एक बार इनको उठाती हूँ। ये देखिए, दीदी ने ना चावल डाल दिए थे कि इससे ना ये गोल वाली बात थी ना, ये बोले थे कि मतलब सीधी चलेगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। तो इस चावल का पूछूंगी क्या करना है, क्योंकि हम तो वो लंबी वाली बाट डालते हैं। फिर कल दीदी बोली ये वाला डालो, तो मैंने ये वाली कर दी थी। सतिया गेट के आगे, और इस पानी को हम गेट के आगे डोल देंगे। वंश हट जा, अंदर आ जा। ऐसे करते हैं गाइस हम लोग। तो यहाँ क्या है ना, टाइल्स हैं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, इधर डाल देती हूँ गेट के। पीछे के साइड भी डाल दूँगी। झाड़ू लगाते हुए सारे गिर गए थे मुझसे। अब गाइस, ये जो हल्दी है ना, इससे गेट के बाहर लिख देंगे शुभ और लाभ हर गेट पे। यहाँ कर दिया इसको पहले गाइस, मैं अपने लगा लेती हूँ। टीका ले वंश, तेरे भी लगा। मम्मी ने मुझे लगा दिया टीका। और अब लिख देंगे गाइस हम शुभ लाभ और लाभ। स्वास्तिक जिसे बोलते हैं ना हम लोग, सतिया बोलते हैं हरियाणवी में, हिंदी में बोलते हैं गाइस इसे स्वास्तिक। तो और इसके साथ दुआ करेंगे कि माता रानी हम अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखे, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर
बनाए रखी। और गाइस ठीक ऐसे ही बना देंगे किचन के इधर, किचन की डोर पे भी लिख देंगे शुभ और लाभ। तो हमारे तो गाइस हरियाणा में ऐसे होता है, आपके कैसे होता है कमेंट करके बताइएगा। हल्दी से ही पूजा होती है और सुबह उस हल्दी से गेट पे लिखा जाता है शुभ लाभ और बना दिया जाता है स्वास्तिक और ओम। सो गाइस किचन पे भी बन गया है और अब बस घर के लास्ट वाले डोर पे हम बना देंगे, पीछे वाला जो है हमारा। सरकारी क्वार्टर है गाइस, ऊपर का पूरा वो निकल रहा है इसलिए मैं नीचे बना रही हूँ। पूरा इसको हाथ लगाया ना नीचे गिर जाए सारी, जितने दिन टिकी है वाइट वॉश इसके ऊपर टिकी है। ये जो चावल है ना जो मैंने पूजा में रखे थे, इनको मैं कबूतरों के लिए बाहर डाल दूँगी। कुछ और भी है मंदिर में चावल, मैंने एक दिन रखे थे तो ये सारे में कबूतरों के। ओह ये अष्टमी के दिन रखे थे मम्मी। हाँ ये अष्टमी वाले स्कूल था ना, था फिर याद नहीं रहे तो आज इकट्ठा करके डालूंगी भी उधर। कबूतरों को ना गाइस आजकल ना मैं बाहर ही दाने डालने लगी, क्योंकि ना वो उस टाइम ना फिर और आने लगे थे और सारे में बीट बीट करके चले जाते थे, तो अभी मैं यहाँ डाल देती हूँ। यहाँ एक दीदी भी डालती है तो हम लोग यहाँ डाल देते हैं। चलो चल रंग ला ला पकड़ो, आ जाओ अंदर। ओ मेरे बंदर आ जा अंदर। सो ये वाला हो गया फ्रूट और मिठाई वगैरह जो है इसको हम खा लेंगे अभी 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 खा, बाद में खा। मैं तो मिठाई खाऊंगा। हाँ मिठाई खा ले इसको गाइस, हम खा लेंगे। ये प्रसाद है माता रानी का समझे, गिराना नहीं है इसको। तो एक बार किचन में रखा मंच, ये भी रख दे और ये भी ले चल, फ्रूट भी ले जा, ये मैं खा लूंगी। गुजरी एंड खील माय फेवरेट, खा ले खा ले खा ले खा ले। हाँ हाँ ये मैं लाई थी गाइस मंदिर में लगाने के लिए ना, लेकिन ये स्विच ही नहीं काम किया और फिर ये नहीं जल सका। मैंने सोचा था पूरी रात दिवाली पे ये भी जलेगा, लेकिन ये मंदिर में एक्सटेंशन बोर्ड के साथ हम जला दिया करेंगे। तो ये यहाँ रख देते हैं, ये मंदिर की घंटी और ये भी रख देते हैं। क्या पूरा एक बार मिनी दिए वाले चावल भी उधर ही डाला, मेरे ख्याल में यही करना होगा। जा उधर ही डाल के आ जा। झाड़ू यार, झाड़ू गाइस जो नहीं लाए थे ना दिवाली पे, वो मैंने सुबह ही यूज कर ली थी, तो ये पूरा आगे ना झाड़ू से ही धोया था,
तो जो दिवाली पे लाए थे ना उसकी सुबह ही मैंने शुरुआत कर दी थी। और इस कपड़े को अब मैं मंदिर में यूज़ कर लूँगी, बिछाने के लिए काम आएगा। सो गाइस, हम लोग तो ऐसे करते हैं, आप लोग कैसे करते हैं हमें बताना कमेंट करके। और हमारे तो ना हरियाणा में तो हम लोग ये पोस्टर ही लाते हैं माता रानी का, लेकिन मैं जैसे दूसरे स्टेट्स वगैरह में देखती हूँ तो मूर्ति होती है छोटी छोटी। इस बार मेरा मन किया कि मैं ले लेती हूँ छोटी छोटी प्रतिमा गणेश जी और लक्ष्मी जी की, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया फिर उसका करना क्या है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, कुछ नया ट्राई नहीं करते हैं, जो आता है वही करते हैं और जो होता है वही करते हैं, कहीं फिर कुछ गलत हो जाए ना, फिर डर लगता है। तो ये मैं ऐसे कुछ मंदिर की स्थापना करती हूँ ना तब इसको यूज़ करती हूँ, मंदिर का ही है। इसको अब मैं दीवान में रख दूँगी। और ये जो जगह है इसको गाइस अभी लगे रहने देती हूँ, जब इसको प्रवाहित करने जाऊँगी ना तब उतारूँगी, तब तक उसको लगे रहने दूँगी। हाँ, इसको रख दे मंदिर में, कहीं यूज़ कर लेंगे दिए को। तो जो है ना वो जो है वहाँ रख दिए थे मैंने यहाँ पे, ये सारे उठा उठा के यहाँ रख दे जो यहाँ वाले थे। सो गाइस, ये वाला काम हो गया है। कल रात को बच गया था हमारा पनीर, खाया नहीं गया इतना, तो मैंने उसको फिर से छोंक दिया, थोड़ा सा टमाटर और हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक। गाइस, कल मम्मी ने लेमन राइस बनाए थे, लेमन राइस बड़े टेस्टी थे, ब्राउन कलर के थे। गंदा नहीं था, निकम्मा है। पता है क्या हुआ गाइस, मैं ना चावल रख के बाहर ना वो क्या था मिनी, वो हॉट एयर बैलून, हाँ, नहीं स्काई शूट था, स्काई शूट नहीं, जो मैं जलाने गई थी, हाँ, बैलून वो, हाँ, स्काई, वो था, वो बैलून था, हॉट एयर बैलून जो था ना उसको चलाने के लिए चली गई। ये भी तो माने नहीं, आ जाओ करने लगे। फिर मैंने सोचा चलो दो सीटियाँ आएंगी तब तक मैं आ जाऊंगी, तो वो चावल रखे गई थी पनीर के साथ। मैंने इसको कल दिन में बोला था कि मैं ना लेमन राइस बना दूंगी तेरे लिए, कई दिन हो गए थे, अच्छे लगते हैं मुझे भी और इसको भी। तो वहाँ पे मुझे सीटी सुनाई नहीं दी, अब सीटी कैसे सुनाई देगी, इतने बम पटाखे बुड़ुम 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 आए तब तक वो जल गए थे। नहीं, लेकिन इतने नहीं जले थे, ऊपर ऊपर से हमने खा लिए, नीचे लग गए थे मतलब। लेकिन वंश तब से मजाक बना रहा है कि कल हमने ब्राउन वो खाए, क्योंकि वो तो येलो हो जाते हैं ना लेमन राइस, थोड़ी सी हल्दी डलती है उसमें, नींबू डलता है, थोड़ा नमक, राई, कड़ी पत्ता ऐसे करके उसमें छोंक लगाते हैं और मूंगफली करके। तो ये कल से मुझे बोल रहा है वाह क्या लेमन राइस खिलाया आपने, क्या लेमन राइस, और जानबूझ के अभी वीडियो में भी बता रहा है। तो ले, मैंने खुद ही बता दिया, क्लियर, ले 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 इसको चिढ़ाओ गंदू कहीं का। तो ठीक है गाइज, अब बस रोटियां बना लेते हैं, फिर करेंगे माँ बेटा आराम। ओ वाओ, बच्चे क्या, बच्चा है बच्चा। तो बस रोटी बना लेते हैं गाइज अभी। वंश एक बार मशीन और घुमाइए, आराम का करेंगे, याद आ गया कपड़े पड़े मशीन में। तो जब तक वो घूमेगी ना मैं रोटी बना लेती हूँ गाइस, फिर कपड़े निकाल दूंगी पानी से। वंश लेके मिठाई देके आ जाओ ऊपर आंटी के। हाँ चलो गाइस बाय, मैं जाता हूँ मिशन ले आ दी करने। मिशन ले आ दी जा कंदू कहीं का, बाय कमांडो कमांडो। भाग भाग मिशन ले आ दी। तो दीदी बची थी और उनका तो हो गया था, मैंने कहा ये भी निपटा किया, अब बनाते हैं रोटी 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 रोटी। इन 4-5 दिनों में ना एक साल की मिठाई खा ली हमने, माँ बेटे ने लगे हुए हैं। एक डब्बा तो मैं धनतेरस से पहले ही ले आई थी, 4 डब्बे मैं धनतेरस पे लाई, एक बचा है, सब खा गए हम, सब खा गए। दिवाली यही है, एक तो सफाई करूं
दिवाली से पहले करो, दिवाली के बाद बच्चे जो पटाखे फोड़ते हैं सुबह सुबह उसकी करो और मिठाई खाओ। दिवाली दिवाली लेकिन अच्छा त्योहार है। चलो जी घर वाली बनाओ अब खाना, खाने में जनता है। मिशन सक्सेसफुल सर। देखिए आ गया गंदा है इनका, इसको हंसी आती है इन कामों में, इनका मजा पढ़ लिया। सुनो वो आंटी कह रही है कि गाड़ी हटा दो, सुनो कॉम्प्लेक्स जाना है स्कूटी। चल मैं हटाती हूँ। चलो भाई गाड़ी हटाते हैं गाड़ी। मैंने ना गेट के आगे से ना दिवाली पे गाड़ी उधर कर दी थी, साइड में लगा दी थी गाइस। अभी इसको हटा के इथे करते हैं, इथे ले। मम्मी द ड्राइवर। यू कौन टांगी थे छोड़ देना, और थोड़ी तो उसमें होगी, वो जो डब्बा है ना रंगोली वाला उसमें मिलेगा। और ये पूरा उठा हुआ दोबारा टांग दे, दो दिन रहने देते फिर हटा दे। हैं देखिएगा तो सब उसमें मिलेगा तुमको। 16 तारीख को जाना है गाइस, तो 15 को शाम तक हटा दूंगी मैं ये। दो दिन त्योहार पे लगा रहेगा, अभी तो है त्योहार और अच्छा भी लग रहा है ना घर। चलो फिर से आ गए, रोटी बनाओ रोटी बनाओ रोटी बनाओ अभियान। आज पता नहीं मुझे क्या हो रहा है ना, थकावट जैसी लग रही है, ऐसे लग रहा है कोई बना के ही दे दे। वैसे ये तो रोज लगता है, आज थोड़ा ज्यादा लगता है। नहीं पता है क्या हो रहा है, थकावट जैसी हो रही है यार। कल लेट हो गए थे ना सोने में, 11:30 बजे भी मैंने इसको ना डांट के तब अंदर लिया था, पटाखे फोड़ने में लगा हुआ। और मुझे अंदर आने से भी चैन ना मिलेगी, मुझे सर्दी लग रही थी बाहर। एक मिनट रख देती हूँ, और अंदर आऊँ तो मुझे टेंशन कहीं जलवल ना जाए, तो मैं बोलती अब रुक जा, नहीं आया रुक जा नहीं आया। फिर मैंने मम्मी का हथियार यूज किया, आंखें दिखाई, डांट लगाई और बच्चा अंदर। क्या करें, छोड़ के अंदर आने में डर लगा, जल गया, मुश्किल हो जाएगी, और लेट तो हो ही गए थे। मुझे नींद आने लगी थी कल, मतलब थक गए थे सारे दिन लगे लगे। दिवाली वाले दिन भी ऐसे लगता है कि सफाइयां हो गई, सब काम हो गया, पहले दिन हमें ऐसा लगता है। मैं कह रहा हूं गाइस मिशन कील करने। हां बहुत मिशन है तेरे पास, ये करके फिर पढ़ाई वाला मिशन भी छेड़ लेना। तो कहां थी मैं, सब भुला के गया। गंदू है, चल चल जा कर ले कर ले। ऐ जा बिट्टू
चावल जल गए थे गाइस, लेकिन पनीर बहुत टेस्टी था हमारा। लेकिन वो जले हुए तो खैर नीचे ही थे, ऊपर तो अच्छे वाले थे। मैं क्या करूँ, मैं सिटी ना सुनाई दे, वो तो मैं कुदरती उसको होटल वाले को ऐसे उड़ा के अंदर दूसरा लेने आ गई। जब दूसरा लेने आई तब सिटी लगनी थी, तब बम फूटा, लगा जोर का झटका, धीरे से लगा। गाइस खाना बना लेती हूँ, फिर मिलते हैं। फाइनली गाइस वंश का खाना तो बन गया है, सब्जी है कल वाली पनीर की, जैसे कि मैंने आपको पहले ही व्लॉग में बता दिया है, लेकिन मैंने इसको दोबारा से तड़का लगाया है एक बार। और यहाँ पर बनाई है मैंने वंश की फेवरेट खीर। डायरेक्ट डाल रही हूँ क्योंकि इतनी दूर से ना गिर जाती। और बन गई है रोटियां। गाइस आप भी खा लीजिए खाना, खा लीजिए। चलो वंश को देके आते हैं। वंश आ गया, मैं चम्मच लाना भूल गई, लेके आती हूँ। देख बेटा गिराइए ना इस पे। कल तो नहीं कर रहा था जैसा मैंने कहा वैसा। डांट खा के अंदर आया। पटाके 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 पटाखे। खाना खा लो बेटा, हाथ धो ले। ये जो ऊपर वाले बॉक्स है ना, ये किचन में अच्छे लगते दिखते हैं वीडियो में, मुझे लगता है। इसलिए मैं क्या करने वाली हूँ गाइस, जैसे इसके पापा आएंगे ना, इनको कहीं ना कहीं और एडजस्ट करूँगी, मुझे अच्छे नहीं लगते। ठीक है गाइस, बोर कर रही हूँ मैं आपको, खाना बना लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। हाँ जी गाइस, खाना खाने के बाद कपड़े धोते आ गए थे ट्यूशन के बच्चे, और अब हो गया है अंधेरा, और शाम होते ही मुझे तो लगने लगी आज सर्दी, इसलिए मैं तो अपनी रजाई लेके और सोने की तैयारी में हूँ। वंश बाहर खेल रहा है, बस फिर वो आगे थोड़ी देर पड़ेगा। और खाना आज बना रखा है क्योंकि बस गाइस अब सोने की बारी है मेरी। तो पता नहीं ऐसा सर्दी जैसी लग रही है, वैसे तो आज सुबह से ही थोड़ी सी तबीयत ढीली थी, थकावट जैसी लग रही थी और सोने का मन कर रहा था। तो फाइनली अब मैंने डिसाइड कर लिया कि अब तो सो ही जाऊंगी। तो ठीक है गाइस, करते हैं फिर इस व्लॉग का यहीं एंड, मिलते हैं फिर कल के व्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए बालाजी फैमिली व्लॉग्स। बाय बाय।